हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल पेज चैनल में फिर हाजिर आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसे सनस्क्रीन का रिव्यू जिसे आप जब यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये है वाओ स्किन साइंस की एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन और ये है SPF40। तो फ्रेंड्स, SPF40 तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा SPF40 या SPF50 ही यूज करती हूँ। लास्ट मैंने एक रिव्यू शेयर किया था आपसे सनस्क्रीन का, जो मैंने SPF50 बताया था, और SPF40 या 50 ही बेस्ट है मेरी नजर में, क्योंकि मुझे लगता है अगर यूज करना है तो एक ही बार कुछ अच्छा यूज करो। 20-30 उतना वर्क नहीं करता है। और वैसे भी वाओ के प्रोडक्ट तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स पे। तो ये एक्चुअली पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, नो मिनरल ऑयल्स एंड क्वालिटी फ्री और 100% वीगन है। मैं जो सुनती हूँ लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो यही होती है कि उनकी स्किन पर रेडनेस रहती है, उनकी स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनकी स्किन डल हो रही है, उनकी स्किन पर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो रही है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका एक सबसे बड़ा रीजन होता है सनस्क्रीन ना लगाना और सन रेजेस और पॉल्यूशन। सिर्फ सन रेजेस की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स, पॉल्यूशन की भी वजह से स्किन पर सेम वही प्रॉब्लम होती है जो कि सन रेजेस की वजह से होती है। तो पोल्यूशन से भी हमें अपनी स्किन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सनस्क्रीन दोनों ही तरह से काम करती है। पोल्यूशन से भी आपको बचाती है, सनरेजेस से भी आपको बचाती है। और सबसे पहले मैं एक मिथ क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कईयों का मानना है कि सनस्क्रीन सिर्फ तेज धूप में ही लगाई जाती है, बट फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन आपको, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपको अपनी स्किन को डस्ट से बचाना है, पॉल्यूशन से बचाना है, तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही चाहिए। चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, चाहे वो शाम का टाइम हो, चाहे वो रात का टाइम हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेकअप करना है तो आप सनस्क्रीन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन की एक लेयर होती है जो आप अपनी स्किन पर उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को उससे। उसके बाद में आपको जो भी मेकअप करना है आप अपना प्रॉपर मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन कभी भी मेकअप में पता नहीं चलती है। एज अ प्राइमर एक यूज होता है सनस्क्रीन का। और वाओ का प्रोडक्ट जो है, वैसे ये सनस्क्रीन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये वाली जो सनस्क्रीन है ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर ऑयली स्किन वाले इसे यूज करते हैं तो मेरी नजर में मुझे ऐसा फील हुआ है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं इसे गर्मियों में यूज नहीं कर पाई, और ये सर्दियों में मुझे बेस्ट लग रही है क्योंकि इससे थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है और ड्राई स्किन वालों के लिए तो ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे तो उनकी स्किन पर एक्ने की, मैंने जब लगाया था इसे गर्मियों में तो मुझे थोड़ा सा एक्ने लगा, लेकिन ड्राई स्किन वालों को जब मैंने किसी ड्राई स्किन वाले पर अप्लाई करवाया तो ये मुझे बेस्ट लगा इसका रिजल्ट। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑयल है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, पोटेशियम है, सोडियम है एंड जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डी जिंक ऑक्साइड है, विटामिन B3 है। ये सभी आप गूगल भी कर सकते हैं, ये सभी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। और प्लीज, सनस्क्रीन के बिना तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा, और ये वाओ की सनस्क्रीन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इवन ऑयली स्किन वाले भी इन सर्दियों में तो इस सनस्क्रीन को ट्राई कर सकते हैं। मैं भी इसे, अभी सर्दियां चल रही हैं, बहुत ठंड है, तो मैं भी स्किन ऐसे में बहुत ड्राई हो भी जाती है, तो अभी ऑयली स्किन वालों के लिए भी इस टाइम पे बेस्ट है, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो हमेशा है ही ये बेस्ट। और इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, ये 100 ml की है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 100 ml की है और ये 649 रुपीज की है। मैंने ये अमेजोन से बाय की थी 649 में, और इस पर एक्चुअली मैं और फ्लिपकार्ट वगैरह का भी आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की बिल्कुल कोशिश करूंगी, ताकि आप इसे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सके। और ये देखिए इसका पंपिंग है, ये बहुत अच्छी है और इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा, इतना अच्छा है कि आपकी स्किन में इतने अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। बट ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन है, आप इस सनस्क्रीन को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी स्किन को प्लीज बचाइए, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन वैसे भी इतना ज्यादा है कि अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ नेचुरल, मैं आपको आगे अपनी वीडियोस में बताने वाली हूँ कि आप नेचुरल वे से भी अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले तो सनस्क्रीन लगानी ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्किन ऑटोमेटिकली डल होने लगती है, तो घर में कुछ नेचुरल चीजों का यूज करके आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और जो एक बेस्ट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाली है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज प्लीज आप मेरे ब्यूटीफुल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे मेरी आगे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और साथ ही में मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो का लिंक मिल जाए और सभी जान पाए कि वाओ सनस्क्रीन का प्रोडक्ट वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।